एक बार एक 10 साल के बच्चे का आइसक्रीम कोन खाने का मन हुआ, तो सामने के होटल में गया और उसने महिला वेटर्स से पूछा आइसक्रीम कोन कितने का आता है। तो उस महिला वेटर्स ने जवाब दिया 70 रुपए का। फिर उस बच्चे ने अपनी जेबें टटोली, शायद उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे, तो उसने महिला से दोबारा पूछा कि छोटा कप कितने का आता है। तो उस महिला वेटर्स ने जवाब दिया 60 रुपए का। कुछ सोचने के बाद उस बच्चे ने कहा ठीक है, आप वो छोटा कप मुझे लाके दे दीजिए। फिर उसने अपनी आइसक्रीम खाई, पैसा पे किया और वहां से चला गया। जब महिला वेटर्स प्लेट उठाने आई तो उस प्लेट के नीचे उसे 10 रुपए की टिप मिली। अब गाइस, अगर वो लड़का चाहता तो वो आइसक्रीम कोन भी खा सकता था, लेकिन उसने उस वेटर का भी ध्यान रखा। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज गाइस, बड़ा वही होता है जिसका दिल बड़ा होता है। इसीलिए अपने लिए सोचने से पहले दूसरों का भी ख्याल रखना सीख लीजिए। गाइस, बाइक चलाना किसे नहीं पसंद, लेकिन असली प्रॉब्लम आती गर्मियों में, जब कोई स्कार्फ या फिर रुमाल पहनने के बाद हमें हेलमेट पहनना पड़ता है, और गर्मी होने की वजह से थोड़ी दूरी तक चलने के बाद जब हम हेलमेट उतारते हैं तो पूरा मुंह पसीने से भर जाता है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? जी हाँ गाइस, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एसी हेलमेट। एक छोटी सी एक्सेसरी आपके हेलमेट पे लगती है और वो आपके हेलमेट को या फिर आपके सिर को ठंडा ठंडा कूल कूल बना देती है। और गाइस, इसका इन्वेंशन कहीं बाहर नहीं, हमारे इंडिया के बेंगलोर के IITian PK सुंदर राजन ने किया है। सो गाइस, हमारे हेलमेट को ठंडा ठंडा कूल कूल बनाने वाले इस सुंदर राजन के लिए एक लाइक तो बनता है। लंदन में बहुत सारे वैज्ञानिकों के बीच में एक भारतीय वैज्ञानिक इस चीज को सिद्ध करना चाहता था कि धातुओं में भी प्राण होते हैं। इसके लिए उसने आयरन की रोड ली, उसे तार से लपेटा और तार के लास्ट में एक निब लगाई, उसे ग्राफ पे लटका दिया। अब प्लान ये था कि उसके ऊपर वो एसिड गिराएंगे जिससे धातु थरथर कांपेगा और वो ग्राफ में दिखेगा। अब जो बोतल उन्हें पकड़ाई गई थी, जैसे ही उन्होंने वो बोतल उड़ेली, धातु पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सारे वैज्ञानिक हंसने लगे कि ये पॉसिबल थोड़ी है, धातु में प्राण कहां होते हैं। तो उसके बाद उन्होंने वो बोतल उठाई और वो गटगट करके पी गए, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी ने धोखे से एसिड को बदल दिया गया है। बाद में पियोन ने माफी मांगी और उन्हें ओरिजिनल एसिड की बोतल दी गई, और बाद में उन्होंने वो एसिड धातु पे गिराया और वो सारा प्रभाव ग्राफ पे दिखा और ये सिद्ध हो गया कि धातु में भी प्राण होता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जगदीश चंद्र बसु की, और ये बात है 1911 की। बात अजीब है लेकिन सच है।